हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग विशेषज्ञ, सम्मोहन तज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ, NLP कोच और एक ट्रेनर हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। कुछ लोगों को जनरलाइज एंग्जाइटी रहती है, मतलब वो उनको चिंता कंटिन्यूसली ऑन गोइंगली एक सर की लगी रहती है, और वो यदि 6 महीने तक कंटिन्यूसली चिंता है, 6 महीने तक, और वो उनका जीवन खराब कर रही है, रोज का जीवन, तो डेफिनेटली उसको उसका इलाज करना जरूरी है। अभी जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है, ये है क्या? इनको, ये व्यक्तियों को है ना, छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ही चिंता लगी रहती है। तो छोटी बात के ऊपर चिंता करना, नंबर एक। जैसा बच्चे स्कूल से बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा क्या, पति या पत्नी को घर में लेट मतलब घर में आने को देरी हो गई तो क्या हो गया, कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा क्या, फिर फ़ोन आया अननोन नंबर है तो किसका फ़ोन आया, फिर पानी नहीं आया तो अभी आज कैसा होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो अभी आज कैसा होगा, फ्रीज नहीं चल रहा है तो क्या होगा, गाड़ी ठीक नहीं है तो क्या होंगी, अपने अकाउंट्स ठीक बराबर होंगे कि नहीं होंगे, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, माल आएगा कि नहीं आएगा, मतलब छोटी छोटी बात के ऊपर मुझे कुछ तो भी बीमारी हो जाएंगी क्या, बच्चों को बीमारी होंगी क्या, मतलब ये लोग कंटिन्यूसली अंडर टेंशन, अंडर वरी, चिंता में रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि चिता जो है वो मरे हुए आदमी को जलाती है, और चिंता जो है वो जीवित आदमी जो है उसको जलाती है, वो जलते रहते हैं अंदर से, छोटी छोटी बात के ऊपर चिंता। नंबर दो, इनको बहुत चिड़चिड़ापन रहता है इसकी वजह से, क्योंकि वो शांति नहीं रहती दिमाग में, एट पीस नहीं रहते हैं, तो छोटी छोटी बात के ऊपर वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा करेंगे, किसके ऊपर चिल्लाएंगे, फिर उसकी वजह से होता क्या है कि उनका पूरा बदन जल्दी थक जाता, शाम तक तो ही उनका पूरा जूस निकल जाएगा, इनकी पूरी गारंटी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, फिर पेट में दर्द, पीठ में दर्द, हाथ पैर में दर्द, सिर में दर्द, ऐसा पूरा दर्द रहेगा, और शाम तक ये लोग कोई काम के रहते नहीं हैं, इतना चिड़चिड़ापन, चिल्लाएंगे लोगों के ऊपर, गुस्सा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मतलब इनके आजू बाजू के लोग खुश नहीं रहते, कंटिन्यूसली चिंता। फिर तीसरा जो महत्व का है वो है इनकी नींद खराब हो जाती, तो अच्छी नींद नहीं आती। एक तो इनको नींद लगती नहीं है क्योंकि चिंता चिंता कंटिन्यूसली विचार चालू है, और फिर नींद नहीं आना, या फिर नींद आ गई तो नींद उचाट होना, बीच में नींद खुल जाना, या फिर सुबह जल्दी नींद खुल जाना, या फिर नींद लगती है तो नींद में सपने, या नींद आती भी है तो रिफ्रेशिंग नींद नहीं लगती कि जैसे फ्रेश हो गए सवेरे उठने के बाद में, ऐसा लगता नहीं है, और फिर नींद नहीं हुई तो फिर चिड़चिड़ापन, फिर चिंता और कभी क्या होगा, तो इनको नींद का प्रॉब्लम रहता है। फिर ये लोग हरदम, जैसा सीट के ऊपर हम ऐसा बोलते हैं ना कि सीट के एकदम कोने पे आके बैठे हुए रहते, मतलब जैसा हरदम ऐसा टेंशन में रहते, और हरदम ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा अलर्ट, और जैसा कोई भागना है या कुछ तो भी हो जाएगा, ऐसा मतलब हरदम उनका ऐसा बर्ताव रहता है कि कुछ तो भी हो जाएगा, घबराहट हो जाएंगी, कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और लाइक सिटिंग ऑन द एज, तो सिटिंग ऑन द एज हम कहावत है ना जैसी कि एकदम कुर्सी पे एकदम एज पे बैठे हुए लोग हैं। फिर ये लोगों को फोबिया रहता है, फोबिया कोई स्पेसिफिक सिचुएशन का, फोबिया मतलब एक्सेसिव इरेशनल फियर, डर, काफ़ी सारा डर, मतलब इनको बाहर निकलने का डर, ओपन प्लेस में जाने का डर, ओपन स्पेस में प्लेस में जाने का डर, फिर रास्ता पार करने का डर, या ऊंचाई पे जाने का डर, या बंद खुली में रहने का डर, या कोई चिपकली का डर, या कोई सिचुएशन का डर, मतलब कोई भी बात का उनको डर लगे रहता है, और वो डर मतलब एक्चुअली इमेजिनरी डर है, एक्चुअली डर लगने को होना नहीं है, वहाँ ऐसा कोई डरावनी बात है नहीं, मगर उनको कुछ तो भी ऐसा डर लगे रहता है, और वो पर्टिकुलर सिचुएशन का ही डर रहता है। और एक ये लोगों को बीमारी हो सकती है, वो है पैनिक डिसऑर्डर की, मतलब उनको ऐसे बीच बीच में अटैक आ जाते हैं, और वो अटैक ऐसे होते हैं कि उस समय इतना उनको इतनी तकलीफ हो जाएंगे एकदम सडनली कि हाथ पैर कांपना, पसीना आना बिना वजह का, घबराहट होना, बेचैन होना, इधर से उधर रेस्टलेसनेस,
ऐसा उनको हो जाएंगे और वो 15-20 मिनट 30 मिनट तक आधा घंटा एक घंटा चलेगा और उसमें ऐसा लगता कि ये उनको ऐसा लगता कि बंद मर जाएंगे, देखने वाला लगता कि इसको क्या हुआ क्या भाई, तो ऐसा उनको पैनिक अटैक आ जाते हैं और वो पैनिक अटैक में फिर ये भाग दौड़ करेगा, डॉक्टर के पास में जाएगा, कुछ तो भी हो जाएगा ऐसा उसको डर लगता है, और कुछ तो भी फिर उसको इंजेक्शन देना, दवाई देना, सलाइन लगाना, कुछ तो भी करना पड़ेगा, बाद में वो अच्छा हो जाएगा। तो इसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के ये सब लक्षण है और ये 6 महीने तक ये चलते हैं कंटिन्यूसली, तो इसको दवा देने की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसमें मेडिसिंस जो है वो अच्छे काम करते हैं, फिर सम्मोहन उपचार है, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP के ट्रेनिंग जो है, NLP के एक्सरसाइजेस जो है वो उसमें काम में आते हैं, हिप्नोसिस में सेल्फ हिप्नोसिस काम में आता है, उसमें विजुअलाइजेशन, हिप्नोटिक डिसेंसिटाइजेशन, फिर मेडिटेशन, ऐसे अलग अलग उसमें उपचार है, वो एक्सपर्ट से लेना बहुत ज़रूरी है, और वो यदि लेते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का दर्जा जो है वो डेफिनेटली अच्छा हो सकता है, वो काम कर सकेंगे, अपना अपनी जो फैमिली उसको बराबर देख सकेंगे, नहीं तो फिर होता क्या है कि लोग नौकरी छोड़ देते हैं, घर में बैठते हैं, कहीं आते जाते नहीं है, काम धंधा बंद, और फिर निकामी हो जाते हैं। तो इनको यदि इलाज किया तो ये लोग ज़रूर अच्छे हो जाएंगे और अपना जीवन जिएंगे। आपके संपर्क में आने वाले काफ़ी सारे लोगों को ये होगा, कम से कम ऐसा बोला जाता है कि 5 से 10% लोगों को कुछ ना कुछ तरह का डर रहता है। ये आप वीडियो जरूर लोगों को शेयर करो ताकि उनको पता चलेगा कि अपने को कुछ तो भी है, तो उसके लिए फिर अपन इलाज कर सकते हैं, किसका किसी सलाह ले सकते हैं, किसकी कोचिंग ले सकते हैं और वो अच्छे हो सकते हैं। तो ये जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।